आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कहीं पर भी कोई भी निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है, जो भी कर रहे हैं वो विड्रॉ कर लेंगे। और वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने समय की सड़कों का याद करें। साथ ही उन्होंने कन्या पूजन को लेकर कहा कि कन्या को देवी का स्वरूप हम मानते हैं और इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है, मेरी कल रात में भी सभी जगह बात हुई है और एक दो जगह लोगों ने फॉर्म जरूर लिया है, पर उनसे भी बातचीत हो गई है। वो फॉर्म जमा नहीं करेंगे या करेंगे तो विड्रा कर लेंगे। ये कल सब जगह बातचीत हुई है पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों की, इसलिए कहीं पर भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में चुनाव किसी विधानसभा में नहीं लड़ेगा। तो उनको अपने समय की सड़कों का याद है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें थी ही नहीं और सड़कों में 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे थे और लोग मछली पालने लगे थे उनके समय में रोडों में। और आज बारिश के कारण जो रोडें खराब हुई हैं उसके लिए हमने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि 30 अक्टूबर के पहले सारी रोडों की जहां पर भी मरम्मत होना है या नई बनना है तो वो काम या रिन्यूवल होना है तो वो काम तत्काल किया जाए। नवरात्रि चल रही है, वैसे भी घर घर में कन्या पूजन होता है और ये हमारी धर्म है, संस्कृति है। कन्या को हम देवी का स्वरूप मानते हैं और नवरात्रि में हम अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति, वो क्यों नहीं कर रहे, वो भी करें उनको, पर उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कन्या पूजन करेंगे तो उनका एक वर्ग नाराज हो जाएगा और इसलिए वो कभी ये काम नहीं करेंगे। पर हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा जो त्योहार है ये नवरात्र का त्योहार है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर में जाएगा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।